गाइस, आई एम तमन्ना एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो आप यहाँ पे सबसे पहला कमेंट देख सकते हैं जो रागिनी मालाकार का है। दीदी प्लीज़ एक वीडियो नौकनी के एक्सरसाइज पे बना दीजिए प्लीज़ दीदी। तो सबसे पहले रागिनी आई एम सॉरी क्योंकि मैंने वीडियो लाने में देर कर दी। आई होप गाइज आप लोग मेरे को समझते होंगे क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल पाता, फिर भी मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करती हूँ और आप जिस पे वीडियो बनाने के लिए कहते हैं मैं उस पे वीडियो ज़रूर लाती हूँ। तो गाइज इस वीडियो में मैं नौकनी के एक्सरसाइजेस कुछ एक्सरसाइजेस है वो बताऊँगी, ठीक है? आप उसको करना, डेली करना, आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखोगे। नौकनी का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। आप देख सकते हैं कितनी मेरे को कमेंट आए हैं, नौकनी गर्ल्स का ज़्यादा देखते हैं दीदी। तो हाँ देखते हैं, ज़्यादा और कम नहीं, सबके एक जैसे ही देखे जाते हैं। अगर आपका ये कन्फ्यूज़न है कि मैं लड़की हूँ तो मेरा नौकनी नहीं चेक होगा, तो ऐसा नहीं है। गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को रनिंग करनी है तो नौकनीज तो दोनों के चेक होंगे, ठीक है? तो बॉयज़ और गर्ल्स के मेडिकल में दोनों में नौकनी चेक होते हैं। गाइस आपको टेंशन नहीं लेना है, मैंने एक्सरसाइजेस बहुत सर्च किए तो मैंने बनाने की कोशिश करी है। अब अगला कमेंट जो है वो आप देख सकते हैं, उन्होंने पूछा है दीदी मुझे नौकनी की प्रॉब्लम है, बहुत एक्सरसाइज करती हूँ बट कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, प्लीज़ कुछ बताओ, मुझे बाहर निकाल देंगे क्या? देखो गाइस सबसे पहले मैं बता दूँ कि नौकनी चेक तो होता है पर अगर काम चलने लायक हो, जैसे मेरा हल्का था, मतलब एकदम हल्का था, बहुत कम काम चलाया जा सकता था, ठीक है? मतलब वो नौकनी नहीं था, वहाँ पे मसल्स भी बढ़े होते हैं जिसके कारण लगता है कि वो नौकनी है, ठीक है? पैर टेढ़ा होना और बहुत कंफ्यूजन भी होता है कि मुझे नौकनी है, बहुत लोग को होता भी नहीं है, ठीक है? ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, जिसके कारण रनिंग में दिक्कत होती है, इसके कारण वो आपको बाहर निकाल सकते हैं। तो आप टेंशन मत लेना गाइस, ठीक है? मैंने एक्सरसाइजेस हैं कुछ जो सर्च करके बताए हैं, तो आप एक्सरसाइजेस करो, रनिंग करो, ठीक है? अभी मेडिकल होने में टाइम है तो फिजिकल पे ध्यान दो गाइस, ठीक है? अगला है प्रीति चौरसिया। तो प्रीति बहन ने मेरे को पूछा है कि नौकनी भी चेक होती है क्या गर्ल्स की? तो हाँ गर्ल्स और बॉयज़ दोनों की नौकनी चेक होती है, ठीक है? शिवानी कुमारी जो है वो उन्होंने पूछा है दीदी नौकनी के बारे में बताओ, मुझे नौकनी की प्रॉब्लम है। तो शिवानी आपको इस वीडियो में आपको एक्सरसाइजेस मिल जाएंगी, ठीक है? आप वो रेगुलर करना ताकि आपकी जो नौकनी की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए, ठीक है? बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ये, अगर ज़्यादा होता है तो दिक्कत आती है मेडिकल में और वहाँ पे डॉक्टर होते हैं, देखते हैं, अगर ठीक है, अगर आप फिजिकल निकाल लो, आप रनिंग करने में कैपेबल हो, ठीक है, और ज़्यादा नौकनी नहीं है तो हो सकता है नौकनी में कोई दिक्कत होगा फिजिकल में। तो अगर आप रनिंग करने के हैबिट में हैं पुष्पा कुमारी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप जब रनिंग कर लेती हो तो फिजिकल में तो कोई दिक्कत नहीं है, फिजिकल में नौकनी चेक नहीं होती है। माधवी नौकनी भी चेक होता है क्या? तो हाँ नौकनी चेक होते हैं, मेडिकल में होते हैं, ठीक है, मेडिकल के टाइम पे, फिजिकल में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो मेरे जितने भी भाई बहन को नौकनी की प्रॉब्लम है उनके लिए मैं वीडियो लाई हूँ, खासकर ये लड़कियों के लिए है क्योंकि लड़कियाँ एक्सरसाइजेस कम करती हैं, तो कुछ इजी एक्सरसाइजेस हैं, ठीक है, उनको आप रेगुलर प्रैक्टिस करो तो इसमें आपको अपने नौकनी में देखना बदलाव जरूर आएंगे और मेडिकल तक आपको बहुत मतलब राहत मिल चुका होगा। तो गाइस चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहला जो एक्सरसाइज है वो है बटरफ्लाई आसन। अब मेरे को आसन का नाम नहीं मालूम, ठीक है, फिर भी मैं आपको बताऊंगी, तो आप बस वैसे ही एक्सरसाइज करते जाना। तो आपको क्या करना है, देखो दोनों जो फुट है आपकी जो एड़ियां हैं उनको मिलानी है और अपने हाथ से जो है उसको पैर को जो है लॉक करना है, ठीक है, पूरे टाइट से। अब जो है वो आपका हाथ जो पूरा हाथ एल्बो वगैरह पूरी सीधी होनी चाहिए, कमर पूरी सीधी होनी चाहिए और आपको पैरों को ऐसे बटरफ्लाई के जैसा हिलाना है, ठीक है? तो इससे क्या होगी आपके पैरों में फ्लेक्सिबिलिटी आएंगी और जिसके कारण आपको रनिंग में धीरे धीरे आपको हेल्प करेगा ये, ठीक है? तो आपकी कैपेसिटी जितने देर की है उतनी देर करो, फिर ब्रेक लो और फिर अगेन अगेन इसको रिपीट करो। पूरी सीधी होनी चाहिए, पूरी सीधी करें,
और इस पैर को उठा करके जैसे मैंने अपने लेफ्ट पैर को पैर पूरा सीधा किया हुआ है ठीक है, उसके बाद दूसरा पैर जो है उसको उठाएंगे उठाएंगे और इसको ऐसे पकड़ेंगे ठीक है ऐसे, और जो बैक है आपकी पीठ होगी वो पूरी सीधी होगी ठीक है, इसको और उठाएं ऐसे और ऐसे और फिर इसको ऐसे करना है, रोटेट करना है लेफ्ट टू राइट राइट टू लेफ्ट समझ रहे हो। तो ये आपको 2 से 3 मिनट सॉरी 20 से 30 सेकंड तक करना है, फिर इसको इस पैर को आप सीधी कर दें राइट पैर को और फिर लेफ्ट पैर को भी सिमिलरली ऐसे ही करें, आपको ऐसे ऐसे इसको भी करना है। अब अगेन आपको फिर से इस टाइप का डब्बा लेना है जिस जो मतलब थोड़ा स्पेस हो सॉलिड हो ठीक है, आप जैसे आप देख रहे हो आपको कुछ भी अवेलेबल हो आपके पास तो, और अगेन आपको बटरफ्लाई पोजीशन में बैठ जाना है ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो पेट है और फुट को आपने मोड़ा है उसके बीच में गैप होनी चाहिए थोड़ी ठीक है, और उस जो सॉलिड बॉक्स है उसको अपने दोनों पैरों के बीच में रखना है और उसको दबाना है ठीक है, और फिर नीचे से हाथ को लॉक करना है मतलब पैर को लॉक करना है अपने हाथों से ठीक है पूरी, और आपको नीचे की ओर जो है आपको जो हेड है वो उसको टच करना है करने की कोशिश करना है ठीक है, आप जितने कैपेबल हो उतने देर तक ठीक है, धीरे धीरे करना है, ये नहीं अचानक से आप झुक गए, तो आपको बहुत स्लो स्लो डाउन होना है ठीक है, और इस तरह फिर उठना है फिर अगेन आपको नीचे करना है, तो आपको देखना इस जहाँ पे मैंने टच करा है उस पोजीशन में आपको खिंचाव महसूस हो रहा होगा, आपको महसूस करना है उस चीज़ को। अब जो ये सॉलिड बॉक्स को साइड में रखना है, दोनों पैरों को इसी बटरफ्लाई पोजीशन में दोनों पैरों को सटा हुआ ही रहने देना है, और आपको आगे की ओर बेंड होना है ठीक है, आप जितनी आगे जा सकते हो अपने हाथों को आगे ले जाएं और बेंड हो जाए, और अगेन आप फिर से उठ जाओ, कमर आपकी सीधी होनी चाहिए ठीक है, ब्रीथिंग करो, उसके बाद फिर से आप अगेन आगे की ओर बेंड हो जाओ आप जितनी नीचे जा सकते हो ठीक है, ये आपको करना है 2 से 3 बार। अब जो अगला एक्सरसाइज है वो क्या है कि आपका कोई भी एक पैर लेना है राइट हो चाहे लेफ्ट हो ठीक है, अगर आपने राइट पैर को ऐसे 90 डिग्री में बना के रखा है जैसे नी और जो एंकल है वो उसको सीधी रखना है ठीक है, उसके ऊपर आपको लेफ्ट पैर को चढ़ा के रखना है ठीक है, जैसा आप मेरे को देख सक रहे स्क्रीन में, और कमर में जो है वो कमर को जो है पूरा सीधा रखना है, और आपको जो है वो आगे की ओर बेंड होना है ठीक है, तो इस तरह आपको आगे की ओर झुकना है, सांस लेना है गहरी सांस छोड़ना है और फिर धीरे धीरे ऊपर आना है ठीक है, और इसको आपको देखना इस पोजीशन में जो है आपको खिंचाव महसूस होगा आप फील कर पाओगे ठीक है। अब अगेन आपको क्या करना है इस दूसरे पैर से सेम चीज़ को सेम एक्सरसाइज को रिपीट करना है ठीक है, और आपको देखो सेम सिमिलरली आपको आगे की ओर बेंड होना है, आपको खिंचाव महसूस होगा आप सांस लोगे ठीक है, और इसको रिपीट करना 5-5 बार जो है मतलब 5 टाइम्स आपको दोनों पैर से आप करने की कोशिश। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, तो इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है सीधे खड़े हो जाना है ठीक है, पैर पूरा सीधा होगा टाइट होगा कमर आपकी सीधी होगी ठीक है, धीरे धीरे आपको दोनों पैरों को फैलाना है आप जितना फैला सकते हो ठीक है, अब आप जैसे जैसे स्क्रीन में आप देख रहे हो मेरे को उसमें आपको एक पैर को सबसे पहली बार पूरा राइट मूव कर लेना है, फिर दूसरे पैर को करना है और फिर राइट लेग की ओर आपको जो है पूरा बेंड होना है, अब बस जैसे मैं कर रही हूँ आप अपने सामने यूट्यूब पे लगा लेना इस एक्सरसाइज को और आप जो है वैसे प्रैक्टिस करते जाना ठीक है, आप देख सक रहे हो बैक पूरी मेरी सीधी है ठीक है, आपको खिंचाव खुद ब खुद महसूस होगा, और फिर सिमिलरली आपको फिर दूसरे साइड भी ऐसे ही करना है दूसरे पैर के साथ भी ठीक है,
देख सक रहे हो आप, दूसरा पैर पूरा सीधा है और अगले पैर में बेंड होना है, और जो दूसरा वाला लेग है वो पूरा पीछे सीधा है, ठीक है, और दोनों पैरों का जो पोजीशन है वो एक साइड है, ठीक है। इसी तरह दोनों तरफ से आपको दोहराना है, ठीक है, दोनों तरफ से आप 5 से 6 बार करो, जितनी आपकी कैपेसिटी है। अगर आप थक जा रहे हो तो और ज़्यादा खिंचाव हो रहा है तो आप ज़्यादा मत करने की कोशिश करना, ठीक है, जितना पॉसिबल हो उतना ही। अब जो अगला एक्सरसाइज है उसमें आपको क्या करना है, उठक बैठक करना है, वो भी आधी, ठीक है, और पैर फैला करके, तो जैसा कि आप मुझे देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले खड़े होना है और आपको देखो घुटने को मोड़ना है बाहर की तरफ, ठीक है, और जो दोनों पैर हैं नीचे, सबसे नीचे फुट, वो अंदर की तरफ होंगे, आप देख सकते हो, ठीक है। आप ऐसे प्रैक्टिस करो देख के, क्योंकि गाइस मैं बहुत योगा या फिर आसन और एक्सरसाइज इसकी मैं बहुत मतलब वो नहीं, प्रो नहीं हूँ, बस मैंने आपके लिए कोशिश की है कि मैं आपके लिए एक्सरसाइज ला सकूँ और आपकी हेल्प कर सकूँ। तो गाइस आई होप आप मुझको समझ पाएंगे। तो अगला एक्सरसाइज में आपको क्या करना है कि दोनों पैर को फैलाना है और आपको चेयर पोजिशन करना है, ठीक है। तो जहाँ आप देख सकते हैं आपको इस जगह पे आपको खिंचाव होगी, जिसके कारण जो है वहाँ पे खिंचाव होने के कारण आपकी नी के पास अपने आप जो है वो पैर की जो पोजीशन है वो मतलब सही पोजीशन में आएगी, करेक्ट पोजीशन खुद ब खुद हो जाएगी, ठीक है। तो इस पोजीशन को थोड़ी देर रखना है, ठीक है, फिर ब्रेक लेना है, फिर अगेन पोजीशन को होल्ड करना है, ठीक है। आप क्या करना ना कि सामने YouTube अपना ये लगा लेना और फिर सेम एक्सरसाइज को रिपीट करते जाना, ठीक है। अब आपको फिर से क्या करना है कि वो जो सॉलिड बॉक्स था जो मैंने पहले यूज़ करा था वो आपको फिर से करना है, ठीक है। जो बॉक्स है उसको अपने दोनों पैरों के बीच में, थाइस के बीच में, ठीक है, रख देना है और आपको पंजों पे खड़ा होने का कोशिश करना है, ठीक है। तो आप ऐसे कमर पे हाथ रख लो और पंजों के बल पे जितनी आपकी कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से आप पंजे पे खड़े रहो, थोड़ी देर होल्ड करो और फिर नीचे आ जाओ, ठीक है, और अगेन एंड अगेन इसको रिपीट करते जाना है, ठीक है। अब अगला एक्सरसाइज, इसमें आपको क्या करना है, दोनों पैरों को फैलाना है, ठीक है, जितना आप फैला सकते हो, ठीक है, और देखो एक पैर को पूरी ही अपनी आगे की ओर लेफ्ट या राइट जिस पोजीशन में उधर मोड़ देना है और अपने हाथ को खोलना है, और जिधर आपने पैर को मोड़ा है उसी को घुटना से आगे करना है, और फिर पहले तो आगे की ओर होना है और फिर उसी की साइड पे झुकना है, ठीक है। आपका घुटना मुड़ना नहीं चाहिए, जो आपकी नीज है वो मुड़नी नहीं चाहिए, और फिर आपको ये रिपीट करना है, और अगेन आप सिमिलरली आपको फिर दूसरे साइड से करना है, ठीक है, पहले राइट पैर से उसके बाद फिर लेफ्ट पैर से। आप ध्यान से देखो, ठीक है, जिस तरह मैंने किया है बस आपको उसी तरह एक्सरसाइजेस को दोहराना है, ठीक है। 2 बार किया मैंने इसी पैर से, और फिर आपको झुकना है, आपका घुटना सीधा होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा जो हाथ है वो सीधा पीछे होना चाहिए। आपको खुद ब खुद कुछ दिन में आप देखोगे आपको इम्प्रूवमेंट ज़रूर मिलेगा। अब सिमिलरली आपको दूसरे साइड से करना है, ठीक है, एक पैर कंप्लीट होने के बाद दूसरे पैर से। अब पिछली एक्सरसाइज करने के बाद आपने 10 सेकंड का ब्रेक लिया, उसके बाद आपको अगले एक्सरसाइज पे आना है। तो इस एक्सरसाइज में हम इस सॉलिड बॉक्स का और दीवार का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो दीवार के सहारे आपको चेयर पोजिशन बनाना है और सॉलिड बॉक्स को दोनों घुटनों के बीच पे रखना है, और आपको इस पोजीशन को थोड़ी देर होल्ड रखना है, ठीक है, सांस लो सांस छोड़ो, ठीक है, और जो थाइस है वो बिल्कुल सीधी रखनी है जिससे आपको खिंचाव वहाँ पे महसूस होगा, ठीक है, और इस एक्सरसाइज को सबसे लास्ट में करें। तो गाइस ये वीडियो मैंने बहुत सर्च करके बनाया था, जो एक्सरसाइजेस हैं ये आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ये वीडियो जो चल रही है वो आपके मोटिवेशन के लिए गाइस, अब अगले साल मतलब इसी साल आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो आप ट्रेनिंग कर रहे होगे, ठीक है। तो मेरी जो विशेस है, गुड लक विशेस, वो आपके साथ हमेशा है। आप फिलहाल तो फिज़िकल की तैयारी पर पूरा जोर दो, ठीक है, रनिंग करो और रनिंग क्वालिफाई कर लो जल्दी से, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में,
तब तक के लिए गाइस टाटा बाय बाय, और वीडियो को देखो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और आपको मोटिवेट करने के लिए तो मैं हमेशा ही हूँ। अगले साल आप भी एंजॉय कर रहे होगे, तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में।